भी है और माता का दर्शन हुआ, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान मानता हूँ। चल रहा है माहौल को किस हिसाब से, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? निर्वाचन का माहौल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? सनातन का जय होगा और सनातन संस्कृति का जय होगा। अभी जो माहौल है, चुनाव का माहौल है, लोगों के पास आप जाएंगे, देवगढ़ में एक रोड शो होगा, रोड शो में भी आप जाएंगे, क्या कैसे देख रहे हैं लोगों की अपेक्षा है मन में आपको सुनने के लिए? आपने क्या पूछा है? अभी जो चुनाव का माहौल है, लोगों के पास आप जा रहे हैं, अभी संबलपुर में आए हैं, देवगढ़ में रोड शो होगा, इसको इस माहौल को आप किस हिसाब से देख रहे? देखिए, ये चुनाव उड़ीसा का अस्मिता रेखा का चुनाव है, गुड गवर्नेंस का चुनाव है, सुशासन का चुनाव है। आज उड़ीसा का सामने जो सबसे बड़ा समस्या है, उड़ीसा का अस्मिता का समस्या। आज उड़ीसा का जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान को रक्षा करने का आंदोलन है ये चुनाव। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि महाप्रभु जगन्नाथ माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद से उड़िया लोगों का स्वाभिमान भी रक्षा होगा और उड़ीसा विकास का रास्ते में आगे बढ़ेगा। हेमंत शर्मा निजर प्रतिक्रिया रखुले, वर्तमान जो माहौल चली सर, अभी उड़ीसा का जो अस्मिता है, अब द्विधा में बोल रहे हैं आप, और जैसे विरोधी भी आए हैं पहले द्विधा में। आज देखिए, मैं 5T का एक ही मतलब समझता हूँ, टी फॉर तमिलनाडु। आपका जो यहाँ में 5T चल रहा है ना, मेरा हिसाब से एक ही टी काम हो रहा है, टी फॉर तमिलनाडु। तो हमें इसको बदलना है, हमें उड़ीसा का स्वाभिमान का रक्षा करना है, बीजेपी का सरकार बनाना है उड़ीसा। आपको लग रहा है अभी जो सरकार है आउटसोर्सिंग में चल रहा है? यह सरकार उड़ीसा का संपत्ति को आउटसोर्स किया हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार का सभी भी छुपा के रखा हुआ है, उड़ीसा का स्वाभिमान का साथ भी खिलवाड़ करके बैठा हुआ है। सरकार नाम से यहाँ में कोई कुछ नहीं है, कोई बीजेडी पार्टी का लीडर कोई भी दिखाई नहीं देते हैं, खाली एक व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। उड़ीसा में पंडियान का सिवा कोई पार्टी कोई सरकार दिखाई नहीं देते हैं, ये सारे चीज पंडियान ने कब्जा कर लिया है। मुख्यमंत्री कौन सा सवाल का आंसर खुद नहीं देते? अरे यहाँ मुख्यमंत्री है ही नहीं है, यहाँ कहाँ मुख्यमंत्री है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री ठीक है, बीमार है, अच्छा है, मुख्यमंत्री क्या सोच रहा है कोई नहीं जानते, जो पांडियन लिख के देता है वही मुख्यमंत्री बोलते हैं। मेरा तो ये एक रिक्वेस्ट होगा, उड़ीसा का विशिष्ट लोग, सीनियर सिटीजन, अच्छा लोग जाके नवीन बाबू से बात भी करना चाहिए, नवीन बाबू खुद कैसा महसूस कर रहा है। मेरा तो अपना मानना है नवीन बाबू भी एक होस्टेज सिचुएशन में है, मेरा तो मानना है कोई लोग जाके अगर पंडियान 10 मिनट रूम से बाहर हो जाए और 10 मिनट अकेला अगर नवीन बाबू किसी से बात करेगा, मेरा मानना है नवीन बाबू रो पड़ेगा। नवीन बाबू इज अंडर होस्टेज सिचुएशन, देखने से ऐसा ही लगता है। देखिए, नवीन बाबू खुद स्टेट नहीं चला रहा है, नवीन बाबू को आप जाके बात करो, पंडियान को 10 मिनट रूम से बाहर निकालिए, अकेला आप लोग जाके बात करिए, नवीन बाबू मेरा हिसाब से रो पड़ेगा। नवीन बाबू इज अंडर होस्टेज, नवीन बाबू को कैप्चर करके रखा गया है, नवीन बाबू का हालत क्या है, वो क्या सोच रहा है, इसका बारे में हमें तब पता चलेगा जब कोई लोग उनको अकेला मिल सकता है, कोई लोग तो उनको अकेला मिल ही नहीं सकता है। सीएम बाहर नहीं जा रहे हैं, सीएम बाहर को, ये भारत का एक सीएम है जो अकेला किसी का साथ बात नहीं कर सकता है। आज आप जाइए, अगर अपोजिशन का भी सीएम है, केजरीवाल भी है, अकेला बात करेगा। अगर कोई जगह में आप जाइए, भगवान सिंह मान हो, अकेला बात करेगा, ममता बनर्जी अकेला बात करेगा, यहाँ पंडियान का इशारा का बिना ये कुछ नहीं कर सकता है।
पूरा एकदम होस्टेज बना के रखा गया है। जैसे अभी आप एक बार कोई हाई कोर्ट का जज या कोई सीनियर सिटीजन उड़ीसा अकेला नवीन बाबू से बात करने से ही पता चलेगा नवीन बाबू ठीक है या नहीं है। आपको भी लग रहा है कि ओडिशा में जो मुख्यमंत्री है ओडिशा का कोई मतलब है, होना चाहिए? उड़ीसा का अभी कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री तो पांड्यन है। अभी पांड्यन को हटा के उड़ीसा का मुख्यमंत्री हमें बनाना है। सर आप जो महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि अगर अकेला नवीन प्रसाद को मिलेगा तो साथ बहुत सारे राज का खुलासा होगा, पूरा राज खुलासा हो जाएगा। मेरा लगता है जब 11 तारीख पांड्यन तमिलनाडु चला जाएगा उसका बाद आप लोगों को बहुत सारा बातें मालूम होगा। वो विक्टिमाइज है क्या पांड्यन से? सीएम अभी पूरा होस्टेज है, मैं बोला ना होस्टेज सिचुएशन है। और कुछ मुख्यमंत्री दो दो विधानसभा से, मुख्यमंत्री दो दो नहीं, मुख्यमंत्री एक ही है, पांड्यन ही है। मुख्यमंत्री पांड्यन ही है, नवीन बाबू से वो साइन करवा लेते हैं। लेकिन उनका पार्टी का जो एमपी है एमएलए मंत्री, अरे ये बीजेपी पार्टी का एमपी लोग क्या है, एक बार चुनाव हार जाएगा तो पार्टी एक ही दिन में तोड़ जाएगा। सर आगे क्या देख रहे बीजेपी का आफ्टर जून 6 के बाद? कुछ भी बीजेडी पार्टी रहेगा ही नहीं, सारे बीजेडी लोग बीजेपी में आ जाएगा। एक बार खाली चुनाव का परिणाम आने दीजिए, सबका उड़िया स्वाभिमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण, देखिए एक बार चुनाव होने दीजिए, कोई बीजेडी नहीं रहेगा, स्वाभिमान वाला लोग बीजेडी में नहीं रहेगा, बीजेपी आ जाएंगे सब लोग। मतलब ये नहीं है कि पूरा पार्टी आ जाएगा, जो बीजेडी में स्वाभिमान वाला लोग है, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला लोग है, वो बीजेडी में नहीं रहेगा। बीजेडी का अस्तित्व नहीं रहेगा सर, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसका है वो बीजेडी में नहीं रहेगा। सर लास्ट में माँ समले के बारे में बताया, आपका कामाख्या क्षेत्र से आए हैं शक्तिपीठ से? मैं एक शक्तिपीठ से दूसरा शक्तिपीठ से आया हूँ, माँ समलेश्वरी माँ को प्रणाम किया हूँ। उड़ीसा का लोगों का भला हो, एक उड़ीसा भारत को विकास का रास्ता में ले जाए, इसके लिए मैंने प्रार्थना किया। उड़ीसा का सुख शांति के लिए मैंने प्रार्थना किया। अगर उड़ीसा सरकार के अगर बात बोलेंगे, यहाँ पे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बोले हैं कि ये सब कुछ आउटसोर्सिंग में चल रहा है। मैं आपको बोला ना, यहाँ में आउटसोर्सिंग तो प्रधान जी थोड़ा मैच्योर्ड है, इसीलिए सोच समझ से ये सब बोला है, लेकिन यहाँ आउटसोर्सिंग ने पूरा कैप्चर करके बैठा हुआ है। सारे कुछ भी नहीं है उड़ीसा का लोगों का साथ, नेता है उनके मंत्री। मैं भी एक सीएम हूँ, किसी का हिम्मत है मेरा माइक पकड़ने के लिए? मैं भी एक सीएम हूँ, किसी का हिम्मत है मेरा साथ खड़ा होके मुझको समझाने के लिए ऐसा बोलो ऐसा बोलो? ऐसा कोई, ये बहुत खतरा है। उड़ीसा में डेमोक्रेसी है? कोई डेमोक्रेसी नहीं है, होस्टेज सिचुएशन है उड़ीसा में। सर क्या मांगा आज बीजेडी में? डेमोक्रेसी सर, मां समलेश्वरी, उड़ीसा का स्वाभिमान रहे, उड़ीसा का लोगों का सुख शांति रहे, उड़ीसा को बहुत बढ़िया सरकार मिले। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।